रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एप्स इंग्लिश ग्रामर। और आज का हमारा टॉपिक है द डे ऑफ साइलेंस, यूनिट नंबर 6, क्लास 3 की इंग्लिश की ट्रांसलेशन हम करेंगे। द डे ऑफ साइलेंस, गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करते हैं या शुरू हुआ चाहता है या शुरू होने को है। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखो। एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, और बयान करो या बताओ कि क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, लेट मी हेल्प यू, आओ मुझे अपनी मदद करने दो। ये देखो, एक बच्चा मदद कर रहा है एक मजदूर बच्चे की। लेट्स टॉक, आओ हम बातें करते हैं। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए हुए मुकालमे को पढ़ो और मशक करो। अली, टीचर, देयर वाज अ पर्सन हु कुड नॉट सी, एक आदमी था। अली अपने उस्ताद से कहता है, अली उस्ताद, एक आदमी था जो के देख नहीं सकता था। आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। टू क्रॉस द रोड, सड़क अबूर करने में मैंने उसकी मदद की। टीचर, ओ उस्ताद, ओ ही वाज ब्लाइंड, ओ वो अंधा था। देयर आर फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हु नीड आवर हेल्प, कुछ लोग जिस्मानी तौर पर मज़ूर होते हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है, या कुछ लोगों को जिस्मानी तौर पर मुश्किलात का सामना होता है जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है। अली, यस एंड वी शुड हेल्प सच पीपल, अली जी हाँ, और हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप कहीं हैंडीकेप या मतलब है मज़ूर बच्चों को देखो, या कोई किसी भी शख्स को या कमज़ोर आदमी को, तो उसकी मदद करनी चाहिए। द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी का दिन। प्री रीडिंग, पढ़ने से पहले लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड द पिक्चर नेक्स्ट टू इट, कहानी के उन्वान को देखो और उससे आगे तस्वीर को भी। व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, आपके ख्याल में कहानी किस चीज़ के मुतल्लिक है। तो जाहिर बात है, कहानी किस चीज़ के मुतल्लिक है, न सुनने वालों के मुतल्लिक है जिनकी कुव्वत समात नहीं होती। रिजवान लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, रिजवान छोटे गांव में रहता है। हिज पेरेंट्स लव्ड हिम डियरली, उसके वालदैन उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ही एक्टिवली टुक पार्ट इन स्पोर्ट्स, वो गर्मजोशी से खेलों में हिस्सा लेता है। एवरीवन इन द विलेज लाइक हिम फॉर हिज गुड मैनर्स, हर कोई उसे अपने अच्छे आदत की वजह से पसंद करता है। रिजवान कुड नॉट हियर बाई बर्थ, रिजवान पैदाइशी सुन नहीं सकता। व्हेन ही टर्न 3, जब उसकी उम्र 3 साल की हुई, अ डॉक्टर एडवाइज हिज पेरेंट्स टू हेल्प रिजवान लर्न साइन लैंग्वेज। जब उसकी उम्र 3 साल की हुई, एक डॉक्टर ने उसके वालिदैन को मशवरा दिया कि रिजवान को इशारों की ज़बान सिखाएं। दस रिजवान लर्नड साइन लैंग्वेज इन फ्यू वीक्स, पास रिजवान ने चंद हफ्तों में इशारों की ज़बान सीख ली। देन ही वाज वेरी हैप्पी, फिर वो बहुत खुश था। बिकॉज ही वाज एबल टू कम्युनिकेट विद हिज पेरेंट्स, क्योंकि वो अपने वालिदैन को समझा सकता था, अपना मैसेज कम्युनिकेट कर सकता था, पहुंचा सकता था। हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन टुक एक्स्ट्रा केयर ऑफ देयर ओनली चाइल्ड, उसके वालिदैन अपने अकलौते बेटे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। दे एकम्पनीड हिम वेयर एवर दे वेंट आउट, उन्हें अपने साथ ले जाते थे जहाँ कहीं वो जाते थे। अदर विलेजर्स आल्सो ट्रीट हिम एज अ स्पेशल चाइल्ड, गांव के दूसरे लोग भी उसे खास बच्चे जैसा सलूक करते थे। खास बच्चे मींस के मतलब है, उनको ये एहसास दिलाते थे कि यार ये तो माजूर है और ये तो बहुत कमज़ोर है, तो उसको ये एहसास दिलाते थे। दिस मेड रिजवान फील अनहैप्पी, इसकी वजह से रिजवान नाखुश हो गया था, इसने रिजवान को नाखुश किया। हिज क्लोज फ्रेंड मुमताज नोटिस रिजवान अनरेस्ट, उसके करीबी दोस्त मुमताज ने रिजवान की बेकरारी को महसूस किया। ही डिसाइडेड टू सेट द थिंग राइट,
उसने चीज़ों को ठीक करने का फैसला किया। ही रिक्वेस्ट हिज फादर टू अरेंज अ फेस्टिवल इन द आवर ऑफ पीपल हु कुड नॉट हियर। उसने अपने वालिद से दरख्वास्त की कि एक त्यौहार मुनक्किद किया जाए ऐसे लोगों के एजाज में जो कि सुन नहीं सकते। ड्यूरिंग दैट होल डे एवरी वन इन द टाउन वुड हैव टू वियर एयरप्लग्स। इस दिन के दौरान हर कोई कस्बे में एयरप्लग पहनेगा। उस दिन के दौरान हर कोई कस्बे में एयरप्लग पहनेगा। ड्यूरिंग दैट होल डे एवरी वन इन द टाउन वुड हैव टू वियर प्लग्स। इस दिन कस्बे में हर कोई एयरप्लग लगाएगा। पीपल लाइक्ड द आइडिया। लोगों ने इस ख्याल को पसंद किया। द डे वॉज नोन एज द डे ऑफ साइलेंस। वो दिन खामोशी के दिन के नाम से जाना जाता है। व्हेन द डे केम एवरी वन पुट प्लग्स इन देयर ईयर्स। व्हेन द डे केम, जब दिन आ गया, हर किसी ने अपने खानों में ईयर प्लग्स लगाए। दैट डे वॉज फिल्ड विद फन गेम्स एंड लाफ्टर। दैट डे वॉज फिल्ड विद फन गेम्स एंड लाफ्टर। ये दिन तफरीह, खेलों और कहकहों से भरपूर था। एज द आवर पास्ट, जैसे वक्त गुजरता गया, पीपल बिकेम अवेयर ऑफ हाउ डिफरेंट लाइफ वॉज व्हेन दे कुड नॉट हियर एनी थिंग्स। जैसे ही टाइम गुजरता गया, लोगों ने महसूस किया, लोगों को इस बारे में आगाही मिलनी शुरू हो गया कि ज़िंदगी कितनी अजीब होती है जब वो कुछ भी नहीं सुन सकते। बट रिजवान कुड डू एवरी थिंग दैट द अदर लिटल बॉय डिड। बट रिजवान कुड डू एवरी थिंग, लेकिन रिजवान कर सकता था सब कुछ दैट द अदर लिटल बॉयज डिड, जो कि और छोटे बच्चे कर सकते थे। द ओनली डिफरेंस वॉज दैट ही कुड ओनली टॉक थ्रू साइन लैंग्वेज। सिर्फ फ़र्क इतना था कि वो इशारों की ज़बान में बात करता था। ऑन द डे ऑफ साइलेंस रिजवान वन मैनी गेम्स। खामोशी वाले दिन रिजवान ने बहुत से इनाम जीते। ऑन दैट डे पीपल रियलाइज दैट ही शुड बी ट्रीटेड जस्ट लाइक एनी अदर लिटिल बॉय। इस दिन लोगों को महसूस हुआ कि उसे भी दूसरों बच्चों की तरह सलूक करना उससे भी दूसरे बच्चों की तरह पेश आना चाहिए, सलूक करना चाहिए। एवरी वन हैज़ सम स्पेशल टैलेंट। हर किसी में कोई ख़ास सलाहियत होती है। एंड दैट शुड बी गिवन एन इक्वल चांसेस, और उसे यकसा मौका मिलना चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट एंडिंग ऑफ स्टोरी। क्या आपके ख्याल में इस कहानी का इख्तिताम कुछ और होना चाहिए, मुख्तलिफ होना चाहिए था? नो, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एंड सूटेबल एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंट एबल्ड चिल्ड्रन एट स्कूल। हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एट स्कूल और होम। हमें स्कूल में मौजूद बच्चों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। वी शुड ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जस्ट लाइक अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। हमें बिल्कुल आम नॉर्मल बच्चों जैसा उनके साथ पेश आना चाहिए, और उन्हें ये एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि आप दूसरों से कमज़ोर हो, क्योंकि अगर आप उसको दूसरों से कमज़ोर ज़ाहिर करेंगे तो उसकी जो उसका टैलेंट जो है वो कम होता जाएगा और वो एहसास से कम तरीका शिकार होगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सबक अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और भी ट्रांसलेशन में इम्प्रूवमेंट ला सकें।
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।